माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय धन्यवाद। चूंकि समय आपने बड़ा सीमित रखा हुआ है, इसलिए मैं अपनी बात उसी के अंदर खत्म करने की कोशिश करूंगा। मान्यवर, जहां तक 356 है और उसके तहत में प्रेसिडेंट रूल है, जो एक रेजोल्यूशन आया है कि प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाया जाए, तो उसका समर्थन हम करते हैं और समर्थन सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज ही वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात है, तो ये एक प्रश्न ज़रूर उठता है और जिसको मैं चाहूँगा कि माननीय होम मिनिस्टर साहब ज़रूर बताएंगे कि आपने कहा कि हमने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि वहाँ पर इलेक्शन हो सके। लोकसभा का इलेक्शन हुआ और भी इलेक्शंस हुए, पंचायत के इलेक्शन भी हुए, तो विधानसभा के इलेक्शंस में जबकि माननीय होम मिनिस्टर, जो पूर्व माननीय होम मिनिस्टर थे माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने यहीं पर कहा था हाउस के अंदर कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारे पास सब चीज़ अंडर कंट्रोल है, हम इलेक्शन कमीशन अगर हमसे कहता है तो हम इलेक्शन करा देंगे। आपने भी यही बात कही है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन हमसे जब कहेगा तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो अगर ये स्थिति थी तो ऐसा क्या बीच में स्थिति आ गई कि इलेक्शन वहाँ पर विधानसभा के नहीं हो सके जबकि अन्य जगह पर हुए? तो ऐसा कौन सा क्या कारण था? क्योंकि ये मानना ज़रा सा मुश्किल है, गले से नहीं उतरता, कि इलेक्शन कमीशन से अगर आप अनुरोध करें और वो आपकी बात ना माने। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर हम लोग सभी लोग कई बार गए हैं और हम भी गए हैं, एज अ टूरिस्ट भी गए हैं, हम लोग कमिटीज़ में भी गए हैं। वहाँ के कश्मीर के जो लोग हैं उनका भाव, उनका जिस तरह से स्वागत करते हैं, जिस तरह से लोगों हम लोग से मिलते हैं, वो पूरे देश में कई जगह देखने को नहीं मिलता, जैसा कि कश्मीर के लोगों के साथ में हम लोग रहे बैठे और उन्होंने जिस तरह से हम लोगों के साथ में व्यवहार किया, वो देखने की योग्य है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि माहौल ऐसा बन गया? तो ये माहौल टेररिस्ट की वजह से बना है। आज भी इस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि जो वहाँ के आवाम हैं, जो वहाँ कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, वो शांति चाहते हैं, वो पत्थर हाथ में उठाना नहीं चाहते हैं। पत्थर उनसे उठवाया जा रहा है, ये सब कह रहे हैं और सब जानते हैं, सब मानते हैं कि एक समय निश्चित हो जाता है, एक दिन निश्चित है, एक स्थान निश्चित है जहाँ से कि वो आते हैं, कैमरामैन होते हैं इधर से, उधर पुलिस सिक्योरिटी वाले दूर खड़े रहते हैं और वो आके पत्थर फेंक करके और फिर चले जाते हैं। तो इस तरह का माहौल आखिर क्यों है वहाँ? तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि जो टेररिस्टों का जो वहाँ पर जब गए तो ऐसा महसूस हुआ कि जो वहाँ के लोग हैं उनके अंदर भी इन टेररिस्टों का खौफ एक है, जिसकी वजह से वो उनका विरोध कर नहीं पाते हैं और डरते हैं। आज सत्ता में आप पूरी मजबूती के साथ में हैं, केंद्र में भी हैं और वहाँ पर भी गवर्नर रूल है, तो आप से ये उम्मीद पूरा देश कर रहा है, खास तौर से कश्मीर के लोग कर रहे हैं, कि आप इन टेररिस्टों के अंदर टेरर पैदा करिए। और आप कह रहे हैं कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, और ऐसा टेरर पैदा होना चाहिए कि ये लोग घबरा करके वहाँ पर आने की ना सोचें, और अगर पाकिस्तान से आते हैं तो पाकिस्तान से आने की भी हिम्मत ना करें और वहाँ के लोग इनके खिलाफ उठ करके खड़े हुए। विकास के नाम पर आपने काफ़ी वहाँ पर खर्च किए हैं, आपने कई स्कीम्स लगाई हैं, वो सब हम लोगों ने देखी हैं और आप वो शुरू से चलती आ रही हैं, आपने भी उसको बढ़ाने का काम किया, ये अच्छी बात है। लेकिन उस विकास की वजह से वहाँ का आवाम जो है उसको फ़ायदा हो और वो जुड़े और उसकी वजह से वो अपने को इस देश का जो एक नागरिक है वो सही माने में दिल से मानना शुरू करे, और जो बाहर के लोग आकर के उसको बरगलाने का काम करते हैं उसको वो बाहर दौड़ाने का काम करे। इस तरह की हम लोगों को एक माहौल बनाने की ज़रूरत है, जैसा कि वहाँ के लोग भी चाहते हैं। जहाँ तक रिज़र्वेशन की बात, रिज़र्वेशन में आपने जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको रिज़र्वेशन देने की बात कही, ये बहुत स्वागत योग्य है और हम लोग इसका समर्थन पूरी तरीके से करते हैं, उनको रिज़र्वेशन मिलना ही चाहिए और रिज़र्वेशन। लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो कश्मीरी पंडित वहाँ से इतने वर्षों से बाहर आज भी कहीं झोला बेच रहे हैं, कहीं रेवड़ी बेच रहे हैं, कहीं तंबू कनात में रह रहे हैं, उनके बारे में भी सोचिए। उनको भी फोर्सफुली वहाँ से हटा दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया और आज वो अपने मानवर अभी तो एक मिनट और है, नहीं दूसरे वक्त अभी है, इसमें दूसरे वक्त अभी।
मानेवर हम इसीलिए बार-बार घड़ी देख रहे थे नहीं नहीं मैं खुद कि आपको घंटी ना बजानी पड़े नहीं दूसरे वक्त अभी आप ध्यान रख घंटी बजाई थी आप ध्यान रखते हैं दूसरे वक्त अभी आपसे इसीलिए आपकी घड़ी में कितना बज रहा है पूछना चाहते थे शुरू में पर हमने पूछा 5:47 हो रहा है देखते रहते हैं बार-बार 5:47 हो रहा है आपको नहीं देख रहे थे हम घड़ी देख रहे हैं 5 मिनट माननीय मिश्रा जी आप बोल चुके हैं इसी में दूसरे वक्त है पर फिर भी घंटी बज गई आप बोल मानेवर आपका डर हो गया है आप बोल मानेवर मान्यवर ये चलिए आप मैं तो ऐसे भी आपके तो मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप हमको बोलने का इतना तो मौका दे ही देते हैं अपनी बात सब समाप्त कर सकें मान्यवर हम कहना चाहते हैं कि हम होम मिनिस्टर साहब से ये अनुरोध करेंगे कि कश्मीरी पंडित जो हैं जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं उनकी तरफ भी ज़रा सा आप थोड़ा ध्यान दीजिए वो लोग आपकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि आप उनके लिए कौन सा रिजर्वेशन ला रहे हैं अगर आप उनके लिए रहे हैं बड़ी अच्छी बात है इनके लिए भी आप उनके लिए 3% लाएं इनके लिए 2% रिजर्वेशन ले आइए इनके लिए कोई और काम कर दीजिए जिससे कि ये लोग वहाँ पर जा करके सुरक्षित रूप से और वहाँ पर रह सकें अपना घर जो उनका जहाँ पर वो पैदा हुए और जिसको कि वो खाली फ़ोटो में देखते हैं फ़ोटो मंगा के देखते हैं वो वहाँ पर रहने का काम कर सकें इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त धन्यवाद माननीय मिश्रा जी